सिंह पैपड़ी जिला अध्यक्ष किराड़ी, उपाध्यक्ष हमारे उपाध्यक्ष आनंद जी, आनंद प्रकाश जी एसएसटी विंग से आम आदमी पार्टी से, और अपने उपाध्यक्ष जी और बैठे हैं ना अपने आप अध्यक्ष विधानसभा, आप भी आ जाओ। नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल, आप देख रहे हैं ओपन चैलेंज 24 न्यूज। और इस वक्त जिस तरीके का माहौल दिल्ली में चल रहा है आप सब जानते हैं, जब से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ है तो एक अलग ही नजारा जो है दिल्ली के इलेक्शन में देखने को मिल रहा है। लोकसभा का इलेक्शन है, बहुत बड़ा इलेक्शन है, और जिस तरीके से आप अपने क्षेत्र में देख रहे होंगे कि आम आदमी पार्टी पुरजोर मेहनत कर रही है, जहां जहां कांग्रेस के प्रत्याशी उतारे गए हैं उन्हें जिताया जाए, और जहां आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं वहां कांग्रेस मेहनत कर रही है कि उन्हें जिताया जाए। आज रोहिणी सेक्टर 24 में कांग्रेस पार्टी का जो कार्यालय बनाया गया है, यहां से लोकसभा के प्रत्याशी उदित राज जी हैं, जो यहां आज आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारी मौजूद हैं, जो दिल्ली प्रदेश से भी हैं, लोकसभा से भी हैं, जिले से भी हैं, विधानसभा से भी हैं, सभी पदाधिकारी यहां मौजूद हैं, जो कि आज एक सम्मानित जो व्यक्ति हैं उदित राज जी, उनका बहुत अच्छे तरीके से स्वागत करने के लिए पहुंचे, साथ ही साथ अपनी पूरी टीम का 1-to-1 एक उन्होंने उनके साथ रखा, ताकि सभी पदाधिकारियों को उनसे मिलवा दिया जाए। और जो मेहनत यहां पर चल रही है हर क्षेत्र के अंदर जाकर, उस क्षेत्र की मेहनत को बहुत अच्छे तरीके से काम किया जा सके, तो बात करेंगे। सबसे पहले संगठन मंत्री अनिल बिड़लान जी हमारे साथ मौजूद है, जो की सीएम प्रतिनिधि भी है, और बहुत अच्छे से पूरी टीम को लेकर चल रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं इस इलेक्शन में, क्योंकि बड़ा इलेक्शन है, सभी अधिकारियों को, पदाधिकारियों को, चाहे वो किसी भी लेवल से हो, साथ में लेकर पुरजोर मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा इलेक्शन है और बहुत बड़ी जीत अब की बार इन लोगों को हासिल करनी बेहद जरूरी है। अनिल जी, क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरीके से आपने स्वागत प्रोग्राम जो रखा था? देखिए, ये एक स्वागत प्रोग्राम के साथ साथ जो हमारी लोकसभा के पदाधिकारी हैं, ये उत्तर पश्चिमी लोकसभा आती है जिसमें 10 विधानसभाएं आती हैं, किराड़ी, मंगोलपुरी, भवाना, रोहिणी, सुल्तानपुरी, रिठाड़ा, मुंडका, नांगलोई और नरेला और बादली, 10 विधानसभा आती हैं। 10 विधानसभाओं से ही हमारे जो पदाधिकारी हैं आम आदमी पार्टी के, वो सब लोग यहाँ पर आए हुए थे, और सभी उदित राज जी के लिए, माननीय उदित राज जी के लिए डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं और भरपूर प्रचार कर रहे हैं, उनको जिताने के लिए हर प्रयास किया जा रहा है। और हमारी ये सीट निकल भी रही है, सातों सीट दिल्ली में हमारी सातों सीट निकल भी रही हैं, और बीजेपी को बुरी तरह से हम हराने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी अभी भी ढोल नगाड़ों के साथ जो है वो अपनी रैलियां करती नजर आ रही है, और 400 पार का नारा भी लगाती नजर आ रही है, तो क्या लगता है? नहीं नहीं, आप ये देखिए, पहले 400 पार का उन्होंने नारा लगाया था, अब उनका कॉन्फिडेंस ना डाउन आ गया है। अब आप देखोगे जब जहाँ जहाँ वो प्रचार कर रहे हैं, लोग उनका साथ नहीं, समर्थन नहीं दे रहे हैं, उनको उल्टा मार रहे हैं, भगा भगा करके पीट रहे हैं, लेकिन बीजेपी का साथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता चल गया है ये पाखंड तीसरी बार नहीं चलेगा। तो अब बीजेपी का साथ नहीं दे रही है जनता, जनता इंडिया गठबंधन के साथ है, और इंडिया गठबंधन के जितने भी प्रत्याशी ग्राउंड पर उतरे हैं प्रत्याशी बनकर के, उनको सभी को जितवाया जाएगा। जिस तरीके से आप लोग दिन रात मेहनत करने में लगे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि जनता आपको सपोर्ट करेगी, पूरा प्यार जो है वो मिलेगा वोट की तरह अगर देखा जाए? देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो भी इंटरनली ये चाहते हैं कि बीजेपी अब की बार नहीं आए, वो भी मतलब साइलेंट वोट है, साइलेंट वोट हमें इंडिया गठबंधन को पड़ने वाली है, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। हमारे साथ लोकसभा अध्यक्ष जसपत जी भी मौजूद हैं, बात करेंगे, जो कि साथ में लोकसभा अध्यक्ष तो हैं ही, साथ में एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, समाज हित में बहुत काम कर रहे हैं, अपने क्षेत्र के जितने मुद्दे होते हैं छोटे हो या बड़े, उन सभी मुद्दों पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, और इनके क्षेत्र के ये लोकप्रिय नेता भी कहे जाते हैं, तो हम उनसे बात करेंगे। सर, कैसा लग रहा है आज जिस तरीके से संगठन जो एक हो गया है और चारों तरफ जो है वो बात हो रही है कि आप लोग भारी मतों से अबकी बार जीतने वाले हैं? हम दिल्ली की सातों सीटों के साथ साथ पंजाब भी जीतने वाले हैं, और मोदी जी का झोला हमने पैक कर दिया, और बहुत जल्दी अब ये जाने वाले हैं। 400 तो ये झूठ है, शुरू से झूठ जुमलेबाज पार्टी रही है, और इस जुमलेबाज पार्टी को हम जितना जल्दी से विदाई करते, देश की जनता एक तरफा है, वो यही कह रही है कि जुमले अब नहीं चलेंगे, जुमले अगर किसी को भूखा रखोगे कब तक रखोगे, तो ये जुमलेबाज पार्टी थी और लोग समझ चुके हैं, अब इनकी नहीं हो रही 200 भी पार।
हमारे साथ सोशल वर्कर, एक ऐसी जो झारू महिला जो कि हमेशा से महिलाओं के मान सम्मान के लिए लड़ती आई हैं, बवाना विधानसभा से अध्यक्ष हैं और आज भी इस यहाँ इस प्रोग्राम में पहुंची हैं उदित राज जी से। इन्होंने काफी मुद्दों पर भी बात की है जिसमें महिलाओं के मान सम्मान को लेकर काफी चर्चा रही। मैडम क्या कहना चाहेंगी, अब की बार ये जो गठबंधन है ये क्या लगता है, जीत पाएंगे या फिर? गठबंधन हमारा पूरे बहुमत से जीतेगा और बहुत ही अच्छे से जीतेगा। सारी पब्लिक जानती है कि हमने केजरीवाल जी ने बहुत काम किया है। इवन उदित राज जो है बहुत पढ़े लिखे IRS हैं जो संसद में बैठ के हमारी आवाज़ उठा सकते हैं, हमारे समाज को ऊपर उठा सकते हैं, क्योंकि एक संसद में ऐसा ही व्यक्ति होना चाहिए बहुत ही इंटेलिजेंट हो, जिसका IQ बहुत अच्छा हो। तो मुझे उम्मीद है कि उदित राज जी जरूर जीतेंगे। हमारे साथ समाज सेवी और आम आदमी पार्टी के बहुत अच्छे नेता जो कि सबके प्रिय हैं क्योंकि ये इस उम्र में बहुत मेहनत करते हुए नजर आते हैं, हमेशा उदित राज जी की मीटिंग में आपको हर जगह प्रचार करते नजर आएंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का माहौल जो है वो लग रहा है? हमने इस जमाने के अंदाज निराले देखे हैं, फैसला कत्ल का था और कातिल के हवाले देखे हैं। बात ये कहा कि पंछी मंजिल पाएगा जरूर, पक्का, ये उनके खुले हुए पंख बोलते हैं और वही आदमी रहते हैं खामोश, जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। मेरी छोटी बहन, कल कई हजार आदमी मुंडका विधानसभा में हमने इकट्ठे किए और उदित राज जी का स्वागत किया हर तरह से, हर शब्द से उनका स्वागत किया। और वहाँ मैंने कह दिया था मका मानवर, ये आपके पंख हैं, ये खुल गए हैं, आज ये उड़ान भरेंगे और आपको उड़ाएंगे, साथ में आसमान तक लेकर जाएंगे और 101% आपको जिता के लाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि पूरी दिल्ली के नहीं, हिंदुस्तान के वाल्मीकि समाज के लोग इकट्ठे हो गए हैं और उन्होंने लोटा नमक कसम उठा ली है, आपकी पार जो है ना 85% होकर दिखाएंगे, ना कि 15%। किराड़ी विधानसभा से जिला उपाध्यक्ष रूप सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद है जो कि लगे हुए हैं, लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरह से जीत का जो झंडा है वो लहरा जाए और ये लोग जश्न मनाए। क्या कहना चाहेंगे, कितनी मेहनत के बाद आपको क्या लगता है रिजल्ट क्या आने वाला? देखिए रिजल्ट तो इस बार जबरदस्त आने वाला है क्योंकि दिल्ली की जो 7 सीटें हैं वो इंडिया का गठबंधन जीत रहा है और इन लोगों को इस बार जनता ने ठाना है कि हाथ और झाड़ू का साथ है, जिससे कि कचरा साफ हुआ। जो इनका गुलाब, ये कमल का फूल है, ये चंद मिनट की खुशबू थी, खुशबू इन्होंने लोगों को झूठे झूठे सपने दिखाए। सन 2014 में आए, 19 में इन्होंने बेईमानी करी और इनका देखो को चंडीगढ़ में रूप जनता का सपने देखा, जगह जगह हेरा फेरी कर रहे हैं। और मैं तो सभी लोगों से अपील यही करूँगा, जो भी लोग इनको वोट करें, वोटिंग मशीन पर जाते एक बार कोविड कोरोना काल का हाल देख लेना। इन लोगों ने लोगों को हजारों हजारों किलोमीटर तक तरसाया, भूख प्यास के लिए मारा, इन्होंने थालियां बजवाईं और उस थाली का कोई अर्थ नहीं। इन्होंने GST से बेरोजगार किया, नोटबंदी से इन्होंने अपने नोटों को चेंज किया, इन्होंने हर जगह, ये महिला की बात करते हैं, इन्होंने ब्रिजभूषण के बेटे को क्यों टिकट दिया, प्रज्वलन अरेवाना को क्यों टिकट दिया, जबकि इनको पता था कि उसने 3000 रेप किए हैं, उसने उसकी सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हैं, वीडियो वायरल हैं, फिर भी उन लोगों ने इसे, ऐसे इंसान को, घटिया इंसान को, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के खातिर ये लोग, और इनके पास जो जैसे ही हमारी इंडिया गठबंधन जीतेगा तो साथ ही साथ इनकी जो भाजपा की जो करप्ट वाली वॉशिंग मशीन, उसको तोड़ने का हम लोग काम करेंगे, उसको जड़ से ख़त्म करने का काम करेंगे और साथ में ED CBI का इसका भी इलाज हम लोग पूरा करेंगे। और ED CBI को जल्दी एक निर्देश जारी होगा कि जितने भ्रष्टाचारी, इनको ढूंढने में टाइम लगेगा नहीं, जितने आज के टाइम में भ्रष्टाचारी हैं सारे भाजपा के अंदर हैं, उनको पकड़ा जाएगा। और अंत में जनता से मैं यही अपील करूँगा, अधिक से अधिक बढ़ चढ़ कर वोट करें और इंडिया गठबंधन को जिताएं और दिल्ली की 7 सीट आम आदमी और कांग्रेस की झोली में डालें। और साथ ही में हमारे लोकसभा अध्यक्ष काफ़ी जोरों शोरों से लगे हैं, हमारी टीम आम आदमी पार्टी बहुत ही जुझारू टीम है, कांग्रेस के जो सारे वर्कर हैं हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, संविधान में जय भीम। अब की बार जिस तरीके से इंडिया गठबंधन जो ये हुआ है, इसमें इलेक्शन को लेकर मैं चाहूंगी कि जसपत जी बताएं। जसपत सर, इलेक्शन वाले दिन जब लोग वोटिंग करने जाएंगे तो किस तरीके से वोटिंग होगी, क्योंकि यहाँ से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी नहीं है, कांग्रेस के प्रत्याशी है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
सभी लोगों को जगह जगह मीटिंग हो रही है, उदित राज जी भी कर रहे हैं और हमारी नॉर्थ वेस्ट लोकसभा के सारे पदाधिकारी कर रहे हैं, और हम यही मैसेज दे रहे हैं कि इस बार झाड़ू का चिन्ह नहीं होगा, उसके अंदर हाथ का निशान होगा। हाथ का निशान पे ही जाकर, जैसे जे जे कलोनी क्लस्टर एरिया है और कच्ची कलोनियाँ हैं, सबके अंदर यही देखा गया है। तो हम लोग सबको जा के कार्यकर्ता एक ही मैसेज दे रहे हैं कि इस बार झाड़ू का निशान नहीं होगा, हाथ का निशान होगा, उसी पे हमें वोटिंग करनी है। सबको समझा रहे, मैसेज बहुत ज़्यादा चला भी गया है और हम और कोशिश करें, अभी 3-4 दिन अभी बाकी है और एक तरफा ये होने जा रहा चुनाव, और ये इंडिया गठबंधन की सीटें पूरे देश में और नॉर्थ वेस्ट लोकसभा की जरूर आ रही है। चुनाव चिन्ह का आप लोग ध्यान रखें, जिस तरीके से जसपत जी ने बताया चुनाव चिन्ह अब की बार इस लोकसभा से, उत्तर पश्चिमी लोकसभा से झाड़ू का नहीं है, हाथ का निशान है। तो उन्होंने मैसेज दे दिया है कि किस तरीके से चुनाव पर जब आप अपनी वोटिंग करने जाएंगे तो चुनाव वाले दिन कौन सा बटन दबाना है, इस चीज का आप खास ख्याल रखें। हम बात करना चाहेंगे मध्य प्रदेश से भी कुछ लोग यहाँ पहुंचे हैं जो कि अध्यक्ष के पद पर वहाँ पर कार्यरत है, उनसे बात करेंगे। सर अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार मैडम, मैं रणजीत सिंह शक्तावत असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस मध्य प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हूँ अभी, और मध्य प्रदेश से डॉक्टर उदित राज साहब के यहाँ चुनाव जिताने के लिए और यहाँ पर आम जनता से रूबरू होने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। और यहाँ पर मुझे पूरा आशा है और उम्मीद है कि उदित राज जी अच्छे मतों से जो है चुनाव जीतेंगे, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जो है कुटाराघात नीतियाँ रही हैं, रेलवे बिक गई है, बंदरगाह बिक गए हैं, एयरपोर्ट बिक गए हैं, हिंदुस्तान में जो अपन कहते थे हमेशा कि राष्ट्र की संपत्ति हमारी संपत्ति, आज की तारीख में हमारी संपत्ति नहीं रही है, उसका जवाब जो है यहाँ की जनता और पूरे भारत देश की जनता जो है वोट के माध्यम से देगी। और मैं आपको आशा ही नहीं, अभी तो पूरा विश्वास है कि यहाँ पर जो है हिंदुस्तान के अंदर जो है गठबंधन की सरकार बनेगी, और आप हम सब जो है बहन बेटियों के सम्मान में हमेशा खड़े रहेंगे। और बहन बेटियों को जिस प्रकार से नागालैंड में चले जाइए आप, किस प्रकार से वहाँ पर अत्याचार हो रहा है, इस प्रकार के सारे अत्याचारों के खिलाफ जो है हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार काम करेगी। और डॉक्टर उदित राज साहब जिस प्रकार से शिक्षित और IRS के पद पर रहे हैं, वो सब चीज़ जानते हैं और वो हमारी आवाज़ को संसद में बैठकर पूरी ताकत के साथ में उठाएंगे। मैडम इन्हीं शब्दों के साथ में जय। आम आदमी पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं जो कि बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो हम उनसे जानेंगे। सर सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा परिचय, मैं रोहनी से, मेरा नाम महेंद्र कुमार है, मैं रोहनी से मैं रहता हूँ सेक्टर 3 के अंदर और मंगलपुरी विधानसभा में आता हूँ। क्या लगता है जिस तरीके से आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट क्या आने वाला है? बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, हमारी गठबंधन सरकार जीतेगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे देश के अंदर जो हमारा गठबंधन हुआ है, गठबंधन हुआ है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, ये जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। और दूसरी बात एक और, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की घर वापसी हो रही है पूरी इंडिया में। कांग्रेस की जो वोट थे वो घर वापसी हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली में वोटर थोड़े साइलेंट है, डर चुके हैं, वो सामने नहीं आ रहे, लेकिन पूरे वोट अब की बार हाथ पे लगेंगे। और कुछ 2-3 हमारी रोहनी सेक्टर के अंदर 2 दिन रह गए अभी चुनाव में, फिर आचार संहिता लग जाएगी, तो हम पूरी मेहनत कर रहे हैं। हमारे 2-3 इलाके रह गए हैं जिसके अंदर हमने पहुँचाना है, कि अभी तक लोग ये समझ रहे हैं, मतदाता समझ रहे हैं कि मोहर लगेगी झाड़ू पे, लेकिन उनको आधे मेंबर को ये नहीं पता कि मोहर लगेगी अब की बार हाथ पे, क्योंकि गठबंधन है इसलिए। और दूसरी बात एक और, ये लड़ाई कोई इलेक्शन जीतने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है संविधान लोकतंत्र बचाने की, और संविधान बचाने की। हमारा देश गुलाम हो चुका है अंदरूनी, तो हमने अपने देश को आज़ाद कराना है। जब तक लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा, तभी हम आज़ाद होंगे। तो ये लड़ाई जो है संविधान बचाने की लड़ाई है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। हमारे साथ समाज सेवी, और ये कहूंगी कि बहुत पुराने नेता जिन्होंने हमेशा से समाज के लिए लड़ाई लड़ी है, चाहे वो लड़ाई किसी भी पार्टी के अगेंस्ट जाकर लड़नी हो, किसी भी सामाजिक व्यक्ति के अगेंस्ट जाकर लड़नी हो, या किसी भी उस व्यक्ति के अगेंस्ट जाकर लड़नी हो जो समाज के हित में नहीं है। सुरेश चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने बहुत काम किया है, हमेशा समाज के लिए लड़ते आए हैं और आज भी समाज हित में यहाँ खड़े हैं, क्योंकि इन्हें ये लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन कामयाब होता है तो जरूर देश में कुछ ना कुछ अच्छा जनता के लिए होने वाला है। हम बात करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, जो गठबंधन की सरकार बन चुकी है और आगे जो ये इलेक्शन के जो चुनाव का जो दौर चल रहा है, क्या लगता है क्या रहेगा माहौल? सबसे पहले तो मैं रेखा दुग्गल जी आपका ओपन चैनल का धन्यवाद करता हूँ दिल से। आप भी हमेशा न्याय की और अन्याय की लड़ाई में हमेशा चढ़ कर हिस्सा लेते हो, और जो गरीब लोग का जो तबका है, गरीब तबका है, पिछड़ा वर्ग है, और जो बहुत ही SC ST है,
उनके लिए जो भी कोई समस्या होती है उसकी आप आवाज़ उठाते हो। मेरा नाम सुरेश चौहान, मैं RW का प्रेसिडेंट हूँ, सेक्टर 1 MC फ्लैट से। तो मैं ये देख रहा हूँ जब से मोदी सरकार आई है तब से खलबली मची पड़ी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि रोज़गार नहीं है, लोग इससे बहुत दुखी हैं। जो नौजवान साथी युवा जो वर्ग के लोग हैं, बच्चे हैं, वो पढ़ लिख करके डिग्री प्राप्त कर लिए, उनकी डिग्री उनके ठंडे बस्ते में रखी हुई है, त्राहिमाम हो रही है, ना उनका रोटी है, ना रोज़गार है, ना घर है, ना मकान, ना कपड़ा है, रहता है। सबसे बड़ी लड़ाई है रोटी कपड़ा और मकान की। जब आदमी पे रोटी कपड़ा मकान नहीं होगा तो वो क्या करेगा? वो फिर दूसरी दिशा पकड़ लेता है, फिर वो क्या काम करता है? चोरी करना स्टार्ट कर देगा, मार धाड़ करना स्टार्ट कर देगा, खून खराबा कर देगा। मतलब उसके दिमाग में उल्टी बात होती है। उन्हें हमें बचाने के लिए हमें कांग्रेस पार्टी को लाना होगा। हमारे यहाँ जो प्रत्याशी हैं गुजरात जी, जो हमारे जो दौड़ने के जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, उन्हें बहुमत से जिताना होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि हाथ बदले, 100 बातों की एक है बात, हाथ बदलेगा हालात, ठीक है ना? तो भाई हाथ पे बटन दबाएं, हाथ में लगाएं, जय हिंद, जय भारत, जय वाल्मीकि। तो अब की बार इलेक्शन जो है बड़ा मज़ेदार होने वाला है। देखने वाली बात होगी कि अब की बार इस लोकसभा में किसकी बनेगी सरकार, क्योंकि सभी मेहनत कर रहे हैं, सभी मैदान में हैं, और ये गठबंधन क्या नया रंग जो है वो लेकर आने वाला है, तो ये देखने वाली बात होगी। ये इलेक्शन अब की बार बड़ा मज़ेदार इलेक्शन होने वाला है। तो कौन आएगा यहाँ पर MP की सीट पर, ये हमें भी रहेगा इंतज़ार। कैमरा पर्सन अमित सैनी के साथ मैं रेखा दुग्गल, ओपन चैलेंज 24।